Hello students, I am CA Harshita Rizvani from HR Institute of Studies. Today, we will be continuing chapter number 5 of OC for Standard 12. Student, the name of the chapter is Staffing. In our earlier session, we have completed the topic of internal source of recruitment, right? And today, we will be starting our lecture with the external source of recruitment. Now students, external source of recruitment mein kya kya? Let's study. सबसे पहले होता है अगर आपको रिक्रूटमेंट करना है बाय एन एक्सटर्नल सोर्स तो एडवर्टाइजमेंट करके कर सकते हैं. एडवर्टाइजमेंट मतलब कैसे, अगर एक कोई कंपनी को कोई एम्प्लॉय चाहिए तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट दे देगी प्रिंट मीडिया पे या तो टीवी पे या कहीं भी एडवर्टाइजमेंट, डिजिटल मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, कहीं भी एडवर्टाइजमेंट कर देगी कि वी रिक्वायर्ड एम्प्लॉय और फिर अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स आएंगे. तो देखो, इट इज एन इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट. एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड थ्रू एडवर्टाइजमेंट एंड न्यूज पेपर. देखो, न्यूज पेपर में एडवर्टाइजमेंट की जाती है, जो बिजनेस के जर्नल्स आते हैं, बिजनेस रिलेटेड कुछ मैगजीन्स आती है, जर्नल्स आते हैं, उसमें एडवर्टाइजमेंट की जाती है. पीरियोडिकल फॉर स्पेसिफिक पोस्ट. पीरियोडिकल्स मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर पीरियड में आती है, मतलब जो 15 दिन में एक बार आती है या हफ्ते में एक बार आती है या 3 दिन में एक बार या महीने में एक बार. पीरियोडिकल्स मतलब जो एक पर्टिकुलर पीरियड में एक बार आती है, रोज नहीं आती. डेली मतलब जो रोज आता है. पीरियोडिकल मतलब जो एक पर्टिकुलर पीरियड में आता है. सो बेसिकली एडवर्टाइजमेंट की जाती है न्यूज़पेपर में, बिजनेस जर्नल्स में, पीरियोडिकल्स पे की जाती है एडवर्टाइजमेंट. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा कैंडिडेट ऑनलाइन भी अप्लाई करते हैं इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट देके. इंटरनेट पे कोई एडवर्टाइजमेंट आया तो ऑनलाइन भी एप्लीकेशन हो सकता है. क्लियर? इंटरनेट पे, टीवी पे या वेबसाइट पे, मतलब डिजिटल, ओके, प्रिंट मीडिया और दूसरा डिजिटल. इस टाइम पे बहुत सारी एप्लीकेशन मिलती है फ्रॉम ऑल द कॉर्नर ऑफ द कंट्री. कंट्री के अलग अलग हिस्से से बहुत एप्लीकेशन मिलेगी. ऑब्वियसली जब एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो लोगों को ज्यादा, मतलब लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे. राइट कैंडिडेट मस्ट बी सिलेक्टेड बाय दिस मेथड. तो इस टाइम पे जब इतनी सारी एप्लीकेशन मिलती है उसमें से सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? तो सबसे पहला क्या था, थ्रू एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है, प्रिंट मीडिया होता है, डिजिटल मीडिया. प्रिंट मीडिया मतलब न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करो, बिजनेस जर्नल्स में, पीरियोडिकल में. प्रिंट मतलब जो लिखित होता है, लिखा, प्रिंटेड होता है. सो न्यूज़पेपर हो गए, जर्नल्स हो गए, पीरियोडिकल. और दूसरा काम भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, इंटरनेट पे कर सकते हो, जो डिजिटल मीडिया, इंटरनेट पे, टीवी पे या वेबसाइट पे. सो ये दोनों टाइप के मीडियाज पे एडवर्टाइजमेंट की जाती है. कैंडिडेट ही एडवर्टाइजमेंट देके अप्लाई करते हैं. तो ऑब्वियसली इस टाइम पे बहुत ज्यादा एप्लीकेशन मिलती है फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. तो इन सारी एप्लीकेशन में से राइट कैंडिडेट चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर? सेकेंड जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. अब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है, एक मीडिएटर होते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हूँ, जो भी बॉस है, मतलब जो भी कंपनीज है जिनको एम्प्लॉयज चाहिए, वो मेरे पास आके लिस्ट बना देंगे कि मेरे पास 10 कंपनी है. 10 कंपनी ने बोला देखो हमको इतने एम्प्लॉय चाहिए, अगर आपके पास कोई हो तो बताओ. और जितने भी एम्प्लॉयज है, मतलब जितने भी कैंडिडेट्स है जिनको जॉब चाहिए, वो भी मेरे को लिस्ट बना देंगे. और फिर मैं क्या करूंगी, जिसको जॉब देनी है और जिसको जॉब लेनी है, दोनों का मैच करूंगी, दोनों के इंटरेस्ट सेम है, और फिर दोनों को मिलाऊंगी. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, एम्प्लॉय की भी लिस्ट उनके पास होती है, जिन एम्प्लॉयज को, जिन कंपनीज को एम्प्लॉय चाहिए होते हैं, और उनकी भी लिस्ट होती है जिन लोगों का जॉब चाहिए होती है. सो दोनों एक एक्सचेंज बन जाता है, दोनों के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बोलते हैं. पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होते हैं और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी होते हैं. ये लोग क्या करते हैं, दे प्रिपेयर लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट. प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या, जो अभी तक तो कैंडिडेट नहीं बना बट बन सकते हैं फ्यूचर में. प्रोस्पेक्टिव मतलब क्या होता है, फ्यूचर में. तो जो पब्लिक और जो प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, वो एक पूरी लिस्ट बनाते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट की. सपोज 10 लोगों ने मुझे बोला तो मैं 10 लोगों की लिस्ट बनाऊंगी. ये कौन है, मतलब कैंडिडेट्स नहीं, कैसे कैंडिडेट है, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, उसकी लिस्ट बनाएंगे. हुआ अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड मतलब जिसके पास जॉब नहीं ऑब्वियसली, एंड देन इन सर्च ऑफ जॉब. तो ये पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करते हैं, वो लोग लिस्ट बनाते हैं प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट के, जो अभी अनएम्प्लॉयड है उनको जॉब की जरूरत है, जॉब की खोज में ढूंढ रहे थे. कीपिंग इन माइंड देयर डिटेल्स, फिर उनकी डिटेल्स जानते हैं, कैसे डिटेल, लेकिन जैसे उनका नाम लिखते हैं, उनका एड्रेस, उनका क्वालिफिकेशन कितना है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज को वो ध्यान रखते हैं. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ सच क्वालिफाइड बट अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट एज एन वेन दे आर एज अ बिजनेस एंटरप्राइज. मतलब ये जो पूरी लिस्ट बनती है, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में जो भी एम्प्लॉय, जो भी कैंडिडेट्स है,
जो अभी अनएम्प्लॉयड है लेकिन वो क्वालिफाइड है, उनकी लिस्ट कंपनी को दे देती है। सपोज मैं एक कंपनी हूँ, सपोज तुम लोग एक कंपनी हो, मेरे पास है कि आप मुझे किसी को जॉब पे रखना है, तो मैंने कोई लिस्ट आपको दिखा दी, देख लो उसमें से कोई पसंद आ रहा है तो अपन उसको फोन करते हैं या आप उसको फोन करो। सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या होता है, एक लिस्ट बनाना प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट की जो जॉब की सर्च में और अभी वो अनएम्प्लॉयड है, अभी उनके पास जॉब नहीं है। जब भी लिस्ट बनाते हैं तो वो लिस्ट में उनका नाम, एड्रेस, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस सब कुछ मेंशन करते हैं। और जब भी कोई कंपनी को एम्प्लॉय की नीड होती है तो कंपनी को ये लिस्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? देन नेम सिलेक्ट द सुटेबल कैंडिडेट, और जो कंपनी उस लिस्ट में से सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकती है। क्लियर? तो अपन ने दो एक्सटर्नल सोर्स पढ़े, पहला एडवर्टाइजमेंट, दूसरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एडवर्टाइजमेंट क्या होता है मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट करेंगे, अलग अलग जगह से एप्लीकेशन आएंगी और उस एप्लीकेशन में से सही कैंडिडेट को आपको चुनना है। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अपन ने पढ़ा, पब्लिक और प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज किसकी लिस्ट बनाते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट की। अब ये सब जो वर्ड्स है प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट, ये सब आना चाहिए। प्रिपेयर लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय नहीं लिख देना, एम्प्लॉय मतलब वो एम्प्लॉय बन गया, मतलब वो एम्प्लॉय है ही नहीं तो आप एम्प्लॉय कैसे लिखोगे। प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स जो फ्यूचर में कैंडिडेट बन सकते हैं, उनका क्वालिफिकेशन, उनका एड्रेस, नाम सब कुछ मेंशन करते हुए लिस्ट किसको दे देते हैं, उन कंपनी को जिनको एम्प्लॉयज की जरूरत है, और वो कंपनी सही से सिलेक्ट कर लेती है। तो दो क्लियर। थर्ड, थ्रू एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अब क्या होता है, आपने वर्ड सुना होगा कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू क्या होता है कि मतलब ये मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ इस टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का। जैसे जो IIM होते हैं, IIT होते हैं, जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट होते हैं, जो टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट होते हैं, वो इंस्टीट्यूट्स में, वो यूनिवर्सिटीज में बच्चे पूरी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, डिग्री उनके पास आ जाती है। क्लियर? उसके बाद उसमें क्या होता है, अलग अलग कंपनी उनके कॉलेज में आती है और लोगों का इंटरव्यू लेती है। ठीक है, इसको बोलते हैं कैंपस इंटरव्यू। थ्री इडियट्स मूवी देखिए, थ्री इडियट्स मूवी में पता है वो वहां पे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद अलग अलग कंपनीज उन पे जॉब देने के लिए आती हैं। सो जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं वहां पे कैंपस इंटरव्यू होता है, मतलब पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद या लास्ट सेमेस्टर में एग्जाम के पहले ही कंपनीज वहां पे आती है, मतलब अलग अलग जो बड़ी बड़ी कंपनी आती है लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, मतलब वो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बच्चों को ही पर्टिकुलर उनका इंटरव्यू लेते हैं। क्लियर? इसको बोलते हैं कैंपस इंटरव्यू। क्या होता है उसमें देखते हैं, पर्टिकुलरली सिर्फ कैंपस इंटरव्यू नहीं, मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिक्रूटमेंट का। मैनी एंटरप्राइज में रिक्रूटमेंट बाय दिस मेथड। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट, मैंने आपको बताया यूजली जो टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट होती है वो लोग क्या करते हैं, वो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से कॉन्टेक्ट करते हैं और वहां पे क्या कंडक्ट करते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट। मैंने आपको बताया कैंपस रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसको, कि आप कोई कॉलेज को इंस्टीट्यूट में जाके वहां पे पूरा इंटरव्यू ले रहे हो बच्चों का। ठीक है, एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज एंड नॉलेजेबल पर्सन इन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Required person can be recruited by obtaining name from the heads of the concerned institute by campus interview. तो campus interview में obviously जो भी candidate उनको पसंद आया वो उनको recruit कर देते हैं। देखो यहाँ पे भी लिखा है ऐसे जो placement camp मतलब placement मतलब क्या होता है, job पे अगर आपको कोई job मिल जाती है और आप कोई जगह रखते हैं उसको placement बोलते हैं, कि आपका placement कहाँ हुआ। तो जो placement camp है ना वो हर साल organize होते हैं काम में, मैंने आपको बताया IIM, IIT, IIM मतलब Indian Institute of Management, मैनेजमेंट एंड IIT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टी दैट इज टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो कैंपस इंटरव्यू आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा कि कैंपस इंटरव्यू में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज होती है यूजुअली वो कॉलेज यूनिवर्सिटी को कंसर्न करती है और वहां के कॉलेज में बच्चों का इंटरव्यू लेती है, कैंपस इंटरव्यू, और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाइड होते हैं, एलिजिबल होते हैं, उनको वहां से सिलेक्ट करके जाती है, मतलब पढ़ाई होने पूरी होने से पहले जॉब मिल जाती है। ये कहाँ कहाँ होता है, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं जैसे IIM, IIT वहां पे। क्लियर? नेक्स्ट इज थ्रू ट्रेड यूनियंस। अब ट्रेड यूनियंस क्या होता है, ओके, ट्रेड यूनियंस मतलब क्या होता है, ट्रेड यूनियन का भी यही काम होता है, वो लिस्ट बनाती है। ट्रेड यूनियन में एक लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, समटाइम व्हेन देयर इज अ लेस वर्क ड्यू टू एनी अदर रीजन, वर्कर्स आर रिट्रेंच्ड ड्यू टू द इंक्रीज इन वर्कलोड, व्हेनेवर द नीड अराइजेस फॉर मोर एम्प्लॉयज, सच रिट्रेंच्ड वर्कर कैन बी रिक्रूटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियन। दिस ऑफन हैपन इन टेक्सटाइल। देखो क्या होता है,
यूजुअली एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्कर्स होते हैं ना, वो सारे वर्कर्स एम्प्लॉय की एक लिस्ट बनाई जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि मंदी चल रही होती, काम नहीं होता, तो कुछ एम्प्लॉय को निकाल देते हैं, लेकिन वो ट्रेड यूनियन की लिस्ट में तो उनका नाम रहता है। अब कभी ऐसा हुआ कि काम बढ़ गया और एम्प्लॉय की नीड है, तो वही रिट्रेंच एम्प्लॉय को वापस बुला दिया जाता है। ट्रेड यूनियन के पास लिस्ट होती है, ट्रेड यूनियन मतलब एम्प्लॉयज की पूरी ग्रुप। और ये ट्रेड यूनियन यूजुअली जो टेक्सटाइल होता है वहां पे होते हैं, जो लेबर इंडस्ट्री होता है, माइनिंग इंडस्ट्री वहां पे होता है। तो ट्रेड यूनियन मतलब बेसिकली एक लिस्ट बनाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज है उसकी। जब भी वर्कलोड कम होता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एम्प्लॉयज को निकाल देते हैं, फिर जब वर्कलोड बढ़ता है तो वापस वही लिस्ट में से देखते हैं किस किस को निकाला, उसमें से उनको वापस बुलाते हैं। ऐसे ट्रेड यूनियन यूजुअली कहां पे होते हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री। क्लियर? ओके, तो अभी अपने लास्ट तो कौन से पढ़े, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और ट्रेड यूनियन। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में मैंने आपको कैंपस इंटरव्यू क्या होता है बताया। कैंपस इंटरव्यू आई आई एम एंड आई आई टी में हर साल होता है। उसके बाद मैंने आपको ट्रेड यूनियन बताया, ट्रेड यूनियन भी लिस्ट बताई सारे एम्प्लॉयज की। जब काम कम होता है तो उन्हें रिट्रेंच कर लेते, रिट्रेंच मतलब निकाल देना काम से, और जब वर्कलोड इंक्रीज होता है तो उन्हीं एम्प्लॉयज को लिस्ट में से देख के वापस बुलाते। कहाँ पे होता है ये? यूजली टेक्सटाइल और माइनिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। कंट्रैक्टर्स क्या होते हैं यूजुअली, है ना, जस्ट अ मिनट। कंट्रैक्टर्स होते हैं वो लेबर अरेंज कराते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर आपने देखा होगा लेबर्स काम करते हैं, जो मतलब लेबर्स होते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं। तो ये जो लेबर्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर होते हैं। सपोज एक कॉन्ट्रैक्टर है, उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 50 लेबर है, फॉर एग्जाम्पल, या 50 में बहुत छोटा फिगर बोल रही हूँ, अपन छोटे से समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है और नेमिंग एक्स वाई जेड, उस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 50 लेबर। अब सपोज मैं, मुझे एक बिल्डिंग बनानी है, मेरे को लेबर चाहिए, तो मैं एक एक लेबर को तो नहीं ढूंढूंगा, मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के पास जाऊंगा, बोलूंगी मुझे लेबर की नीड है। सो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेंगे, वो लेबर को भेज देंगे, फिर वो जो पैसा मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्टर को मिलेगा, और उसमें से जो भी उनका हिस्सा होता है लेबर का वो उनको दे देगा। मतलब लेबर एक कॉन्ट्रैक्टर के अंदर होंगे, और जिनको भी लेबर की जरूरत है वो डायरेक्टली किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्टर से। ये यूजुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जहाँ पे लेबर डेली लेबर बहुत चाहिए होते हैं, मतलब मॉर्निंग मोड के ऐसा होता है कि इतने लेबर चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्टर अपने लेबर में सबसे को भेजता है डेली बेसिस पे, या एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। क्लियर? स्टडी इस सिस्टम में एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, बिजनेस एंटरप्राइज इन द कॉन्ट्रैक्टर फॉर सप्लाई ऑफ लेबर। मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टर होता है और बिजनेस एंटरप्राइज, इन दोनों के बीच में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है टू सप्लाई द लेबर। मतलब बिजनेस एंटरप्राइज को जब भी लेबर की जरूरत होगी वो डायरेक्टली किससे कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्टर से। मतलब ये सिस्टम एक कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन द बिजनेस एंटरप्राइज और कॉन्ट्रैक्टर। जब भी बिजनेस एंटरप्राइज को कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जरूरत होगी, होम दे विल कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का काम क्या होता है? लेबर को सप्लाई करना। कॉन्ट्रैक्टर टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अरेंजिंग लेबर। कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेबर, मतलब बिजनेस एंटरप्राइज को टेंशन नहीं कि अभी लेबर कहां से आएगा, कैसे जुड़े। सिंपल कॉन्ट्रैक्टर को बोला कि अपने बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मुझे लेबर चाहिए, अब लेबर की कॉन्ट्रैक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्ट्रैक्टर इज इन कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट विद द वेरियस टाइप ऑफ लेबर। अब कॉन्ट्रैक्टर मैंने आपको बताया उसके अंडर बहुत सारे लेबर्स होते हैं। एज एन रिक्वायर्ड, जब भी चाहिए होता है, अरेंजेस फॉर द लेबर एज एट फेयर वेजेस। जब भी किसी को लेबर की जरूरत है कॉन्ट्रैक्टर उनको सही सा बेचते हैं, उनको अरेंज कर देते हैं। ये ओपन देखो यहाँ पे भी लिखा है, यूजुअली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री, टी प्लांटेशन इंडस्ट्री में ज्यादा ये कंसेप्ट फाउंड किया जाता है। इन दिस मेथड इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर बीइंग एक्सप्लॉइटेड। अब यहाँ पे बहुत चांसेस है कि वर्कर्स को परेशानी हो, वर्कर्स को एक्सप्लॉइटेशन हो। कैसे एक्सप्लॉइटेशन हो? ये कॉन्ट्रैक्टर उनके अंडर के वर्कर्स को ज्यादा पैसा लेके उनको कम दे या उनको परेशान करे, तो चांसेस होते एक्सप्लॉइटेशन के। जनरली अनस्किल्ड वर्क लेबर्स आर सप्लाई। यहाँ पे ये मतलब स्किल्ड लेबर, मतलब स्किल्ड लेबर मतलब यूजुअली जिनमें स्किल्स होती है, जैसे अकाउंटेंट्स या फाइनेंस मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ऐसा नहीं होता। ये यूजुअली अनस्किल्ड लेबर के लिए होता है, मतलब यू कैन से लेबर वर्क के लिए, जो स्किल्ड लेबर नहीं होते, जो यूजुअली लेबर एक्टिविटी करते हैं। क्लियर? बाकी तो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टर के अंदर बहुत सारे लेबर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर ये लेबर्स को बिजनेस एंटरप्राइज को सप्लाई करता है। बिजनेस एंटरप्राइज और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एज एन मैन बिजनेस एंटरप्राइज को लेबर की नीड होगी, बिजनेस एंटरप्राइज डायरेक्टली किसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्टर को। ये कहां पे यूजुअली फाउंड किया जाता है? कंस्ट्रक्शन, टी प्लांटेशन, माइनिंग, राइट? उसके बाद अपने ये पढ़ा कि यहाँ पे चांसेस होते हैं कि लेबर जो होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के अंदर वो एक्सप्लॉइट हो, एंड ये यूजुअली कहां पे यूज होता है? अनस्किल्ड लेबर में यूज होता है। क्लियर?
नेक्स्ट रिक्रूटमेंट एट द गेट. रिक्रूटमेंट एट द गेट क्या बोल रहा है, वर्कर्स कैन बी रिक्रूटेड बाय बिजनेस एंटरप्राइज बाय प्लेसिंग अ नोटिस ऑन अ फैक्ट्री गेट. दिस मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर डेली वेजेस. सिंपल, रिक्रूटमेंट एट द गेट, गेट पे रिक्रूटमेंट कर दो. मतलब क्या होता है, यूजुअली जो कंपनीज होती है ना, वो अपने फैक्ट्री के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा देती है कि भाई वर्कर की नीड है, तो आते जाते कोई भी वर्कर हो तो अंदर चले के काम कर लेगा. मतलब सिंपल गेट पे लगा दो कि वर्कर की जरूरत है. रिक्रूटमेंट एट द गेट मतलब लिटरली इसका मतलब ये है कि गेट पे नोटिस लगा दो. ये यूजुअली कौन से टाइप के वर्कर के लिए यूजफुल है, डेली वेजेस. जो डेली वेजेस होते हैं मतलब जिनको हर दिन बेसिस पे वो कुछ अलग काम करते हैं, कुछ अलग लेबर वर्क करते हैं, क्लियर. हर दिन में वो नई फैक्ट्री में जाके काम करते हैं. सो रिक्रूटमेंट एट द गेट बहुत सिंपल था. आगे बढ़ते हैं, द लास्ट वन इज मॉडर्न मेथड. मॉडर्न मेथड में क्या होता है देखते हैं. मॉडर्न टाइम में रिक्रूटमेंट होता है बाय द यूज ऑफ, मॉडर्न टाइम में क्या भी सबसे ज्यादा चल रहा है, इंटरनेट. तो मॉडर्न टाइम में रिक्रूटमेंट कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. अलग अलग एजेंसीज होती है जो क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट का बायोडेटा रजिस्टर करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि आप, चलो मुझे आपको, आप मुझे बताओ कौन सी सी एजेंसीज है आपको पता, जैसे Naukri.com ये सब आपको पता है. वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग कैंडिडेट्स का बायोडेटा इकट्ठा करते हैं और अपनी वेबसाइट पे रख देते हैं कि भाई ये लोग हैं. ये वैसे ही हो गया ना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जैसा. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज अपना एक वो लेके बैठा है और यहाँ पे ऑनलाइन हो रहा है. वेयर देयर इज अ वैकेंसी, दिस एजेंसी और बिजनेस यूनिट कैन यूज दिस फैक्ट फैसिलिटी टू गेट द रिक्वायर्ड कैंडिडेट. जहां भी वैकेंसी हो, वैकेंसी मतलब जगह खाली हो, तो जो भी बिजनेस एंटरप्राइज है वो वेबसाइट पे जाके वो कैंडिडेट को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. फॉर दिस ऑल द प्रोसीजर आर डन ऑनलाइन. सब ऑनलाइन होता है, मतलब एप्लीकेशन भी ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम भी होती है, रिजल्ट भी ऑनलाइन होता है, अपॉइंट भी ऑनलाइन कर लेते हैं, क्लियर. इसे तो मॉडर्न है ना, मॉडर्न वर्ल्ड में इंटरनेट की मदद से पूरा होता है. एजेंसीज होती है जो अलग अलग प्रस्पेक्टिव कैंडिडेट का बायोडेटा को रजिस्टर करते हैं, सब ऑनलाइन होता है. कंपनीज जो है वो ऑनलाइन उनको कॉन्टेक्ट करेगी, उनका एप्लीकेशन फॉर्म देगी, उनकी टेस्ट लेगी, फिर उनका अपॉइंटमेंट करेगी, क्लियर. इन दिस मेथड कैंडिडेट कैन मेक द मैक्सिमम बेनिफिट इफ ही इज वेल वर्स्ड विद द कंप्यूटर एंड इंटरनेट. ऑब्वियसली यहाँ पे कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फायदा कब होगा, जब उसको कंप्यूटर और इंटरनेट के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत वेल वर्स्ड है. वेल वर्स्ड मतलब बहुत अच्छे से उस चीज को करना जानता है. जनरली दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयर्स. अब देखो ये यूजुअली जो होता है कौन से पर्सन स्किल्ड, जो मैनेजमेंट, अकाउंटेंसी, फाइनेंस स्किल्ड, मतलब मैं जस्ट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल. स्किल्ड एम्प्लॉयर और अनस्किल्ड एम्प्लॉयर के लिए कौन सा यूजुअली सुटेबल था, जो कॉन्ट्रैक्टर्स वाला था वो अनस्किल्ड के लिए होता है. यूजुअली जो मॉडर्न मेथड है वो स्किल्ड एम्प्लॉयर्स, बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो लेबर्स होंगे वो डायरेक्टली इंटरनेट से नहीं रिक्रूटमेंट करते. वापस मॉडर्न मेथड में क्या बोला, मॉडर्न टाइम में रिक्रूटमेंट गेट पे इंटरनेट की मदद से होता है. अलग अलग एजेंसीज जो भी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स है उनका पूरा बायोडेटा लिस्ट डाउन करते हैं अपनी वेबसाइट पे. जो भी कंपनीज होती है वो उस वेबसाइट पे जाके उस कैंडिडेट से कॉन्टैक्ट करती है. यहाँ पे पूरा कंसेप्ट ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है. ये यूजुअली मेथड ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी जो कंप्यूटर और इंटरनेट से बहुत अच्छे से वाकिफ है, जिनको एक चीज पता है इंटरनेट एंड कंप्यूटर के बारे में, राइट. एंड यूजुअली मेथड स्किल्ड एम्प्लॉय के सिलेक्शन के लिए होता है. ओके, स्किल मतलब जो लेबर नहीं होते, स्किल्ड जिनमें कोई स्किल होती है. ओके, तो अपन ने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट पढ़ा, जिसमें अपन ने 7 पॉइंट पढ़े. तो जस्ट एक बार हेड पॉइंट रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहला था एडवर्टाइजमेंट कर दो, फिर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. फर्स्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, अदर वन इज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, देन थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. फिर कौन सा था, थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, देन थ्रू ट्रेड यूनियन, फिर कॉन्ट्रैक्टर्स, देन रिक्रूटमेंट एट द गेट एंड मॉडर्न मेथड. एडवर्टाइजमेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, फिर पीछे था ट्रेड यूनियन, फिर था कॉन्ट्रैक्टर, फिर गेट पे रिक्रूटमेंट एंड लास्ट में मॉडर्न मेथड. क्लियर. 3-4 करके लर्न कर लेना पहले पेज का एक साथ. एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तीन हो गए. एडवर्टाइजमेंट देखो पहला ए एडवर्टाइजमेंट और ई मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. तो पहले तीन लर्न हो गए थ्रू एडवर्टाइजमेंट, फिर ई दैट इज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तीन हो गए. अब चार लर्न करने उसमें सिंपल है, दो तो ऐसे कुछ है ट्रेड यूनियन और कॉन्ट्रैक्टर, तीसरा तो गेट पे कंट्रोल छोड़ो तो मॉडर्न है, कितना इजी. सोचो क्या है, समझ के करो. एक तो कॉन्ट्रैक्टर है, फिर ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन से कॉन्ट्रैक्टर, दोनों कुछ जैसे ऑर्गेनाइजेशन जैसे ना, कॉन्ट्रैक्टर ट्रेड यूनियन, फिर तो सिंपल गेट पे, और लास्ट में तो क्या है मॉडर्न. तब सिंपल अपन समझे, एडवर्टाइजमेंट
एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, वन मोर ई गुड, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, देन सिंपल कॉन्ट्रैक्टर ट्रेड यूनियन गेट मॉडल खत्म। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ते हैं, दैट इज रिक्रूटमेंट के बाद सिलेक्शन का पार्ट पढ़ते हैं। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, टू सिलेक्ट अ प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव। जो भी आपको एप्लीकेशन मिली है वो एप्लीकेशन में से सही कैंडिडेट को सिलेक्ट करना। रिक्रूटमेंट मतलब अलग अलग कैंडिडेट्स को इनवाइट करना अपनी कंपनी में आने के लिए और उसमें से सही कैंडिडेट चुनने को बोलते हैं सिलेक्शन। सिलेक्शन एक पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस वेराइज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्वियसली मतलब सब जगह सेम टाइप का सिलेक्शन प्रोसेस नहीं हो सकता। छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, कौन सा बिजनेस करती है, उस टाइप से सिलेक्शन का प्रोसेस बदलता रहता है। देयर आर थ्री लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल एंटरप्राइज। चलो मुझे बताओ कौन से थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अपने फर्स्ट चैप्टर में क्या था ना, यस इट इज टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड बॉटम लेवल। अपने बहुत अच्छे से पढ़ चुके, टॉप लेवल यूजुअली जो मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं, मिडिल लेवल में जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड, और बॉटम लेवल में यूजुअली जो फोरमैन सुपरवाइजर्स वर्कर्स आते हैं। क्लियर। एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिफाइड एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड। ऑब्वियसली टॉप लेवल के एम्प्लॉयज के लिए अलग क्वालिफिकेशन चाहिए, मिडिल लेवल के लिए अलग चाहिए, बॉटम लेवल के लिए अलग चाहिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर नॉन मैनेजरियल स्टाफ इज शॉर्ट एंड सिंपल। मतलब जो ऐसा स्टाफ है जो मैनेजमेंट में नहीं होता, नॉन मैनेजरियल स्टाफ, वहां का सिलेक्शन थोड़ा शॉर्ट और सिंपल होता है, ठीक है। वाइल जो सिलेक्शन मैनेजरियल पोजीशन के लिए होता है वो बहुत स्पेशल नेचर का होता है, बहुत वेल प्लान्ड होता है। मतलब यूजुअली जो मैनेजमेंट में लोग बैठते हैं उनका सिलेक्शन करना बहुत वेल प्लान्ड होना चाहिए, बहुत स्पेशल प्रोसेस फॉलो किया जाता है। क्लियर। बहुत जरूरी है कि राइट पर्सन चुनो आप राइट जॉब पोजिशन पे। The selection of suitable expert and experience is an invaluable asset. Obviously, अगर आपको अपने एंटरप्राइज को एक अच्छा एम्प्लॉय मिला तो आपके लिए एक एसेट है। सो ये सिलेक्शन का इंट्रोडक्शन है। पांचवे पॉइंट आपको लिख देने के जो बहुत ईजी है, देखो सबसे पहले आप लिख दोगे कि सिलेक्शन मतलब आप राइट कैंडिडेट चूज कर रहे हो अपनी कंपनी के लिए। फिर दूसरा देखना जो सिलेक्शन है ना पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक पार्ट है। क्लियर। उसके बाद आप क्या लिखो कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से बदलता रहता है। तीन लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, बॉटम, मिडिल और लोअर। तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अलग अलग टाइप के क्वालिफिकेशंस चाहिए। फिर आप लिख दोगे कि जो मैनेजरियल पोजीशन वाला स्टाफ होता है उसको उसके सिलेक्शन में थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेशन, मतलब थोड़ा स्पेशल नेचर का होता है, वेल प्लान होता है। और जो नॉन मैनेजरियल स्टाफ होता है वो सिंपल स्वीट होता है। और अगर आपको एक अच्छा एम्प्लॉय मिल गया तो आपके लिए वो इनवैल्यूएबल एसेट है। क्लियर। लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, पांच छह पॉइंट मन में सोचे लेके आने और डन विद इट। क्लियर। इंट्रोडक्शन हो गया, अभी बहुत इंपॉर्टेंट आंसर करा रही हूँ, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर करते हैं, प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सिलेक्शन करेंगे कैसे, प्रोसेस। अब आप सबको पता है, व्हेनेवर आई टेल यू प्रोसेस, तो प्रोसेस यू हैव टू राइट इन लाइन। प्रोसेस कभी भी एक पहले बाद में नहीं है, प्रोसेस मतलब एक ही बाद है। सो इसको ऊपर सीधा नहीं लिख सकते, कुछ नौ प्रोसेस है, आई मीन नौ पॉइंट्स है। नौ के नौ पॉइंट आपको कैसे लिखते हैं, लाइन में लिखते हैं। अब जब आप ये पढ़ोगे ना तो प्रैक्टिकली पूरा इमेजिनेशन करना है, कंपनी है, इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको झट से लर्न हो जाएगा, वरना इट वुड बी टफ। सो वन टिप बिफोर वी स्टार्ट दिस, सॉरी वन टिप एंड वन एडवाइस। सबसे पहले तो आपको एडवाइस तो नहीं बोल सकते, कंपल्शन है। ये जो प्रोसेस है वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप लिखना है, बीच में से इधर उधर नहीं कर सकते। एंड सेकेंड टिप क्या बोली मैंने, बी इमेजिनेटिव। जितना इमेजिन करोगे उतना इजी पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले वेलकमिंग एंड प्रिलिमिनरी मीटिंग। सबसे पहले तो वेलकम ही करेंगे और तो क्या करेंगे, और मीटिंग करें तो प्राइमरी मीटिंग। यहाँ पे कैंडिडेट इज वेलकम बाय द एंटरप्राइज, मतलब एक रिसेप्शन है, समझो एक कंपनी का रिसेप्शन है, कैंडिडेट आए जा रहे हैं। जो रिसेप्शन होता है रिसेप्शनिस्ट कौन होते हैं, जो रिसेप्शन पे बैठे होते हैं, मिक्स प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, नॉर्मल पूछताछ करते हैं। एंड इफ द कैंडिडेट को फॉर सुटेबल लग रहा है तो ही विल बी सेंट टू द रिक्रूटमेंट ऑफिसर। मतलब सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय आ रहा है, रिसेप्शनिस्ट से प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लेके उसको रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेज दे रहे हैं। अब आगे कहा पे रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास, रिक्रूटमेंट ऑफिसर क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास गए, रिक्रूटमेंट ऑफिसर क्या करेगा, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा उसके नॉलेज के बारे में, उसके स्किल कैपेबिलिटी, वर्किंग कैपेबिलिटी के बारे में, ठीक है।
मेन ऑब्जेक्टिव है दिस स्टेज. इस स्टेज पे जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रिवेंट द इनप्रॉपर एंड अनसुइटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अप्लाइंग इन इनिशियल स्टेज. एकदम कोई इनप्रॉपर कैंडिडेट या एकदम अनसुइटेबल कैंडिडेट नहीं आ जाए कि भाई अगर मैनेजमेंट के लिए चाहिए तो कोई एकदम अलग ही डिपार्टमेंट का इंसान आ गया. एकदम ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब एकदम ही इनप्रॉपर कैंडिडेट आ जाए वैसा नहीं हो. कैंडिडेट इज नॉट सुटेबल इन द प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, तो उसको बोला जाता है ठीक है आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो. मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले भी प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है. दिस सेव द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफिसर एंड प्रोसेस बिकेम सिंपल. मतलब सबसे पहला क्या था, सबसे पहले वेलकम कर रहे हैं एंड प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन या प्राइमरी मीटिंग. तो इस स्टेज पे कैंडिडेट्स आते हैं, रिसेप्शनिस्ट उनसे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेती है और अगर सुटेबल लगता है तो उसको रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास भेज देते हैं. यहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिसर बैठा है, रिक्रूटमेंट ऑफिसर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उनकी नॉलेज, स्किल, वर्किंग कैपेबिलिटी के हिसाब से और अगर सही मिलता है तो उनको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए बोलता है. यहाँ पे एक स्टेज वेलकमिंग स्टेज या प्राइमरी मीटिंग क्यों होती है कि कोई एकदम ही अनसुइटेबल कैंडिडेट को अपॉइंट नहीं करते उस चीज का, मतलब कोई अनसुइटेबल कैंडिडेट आगे नहीं चाहते. फिर टाइम सेम होना कि एकदम ही कोई अनसुइटेबल या इनएप्रोप्रिएट कैंडिडेट का सिलेक्शन कैंडिडेट आगे नहीं चाहते. क्लियर. सेकेंड, रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन फॉर्म भरने को बोला तो बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म आए, उसको स्क्रीन करना है कैसे, देखो रिक्रूटमेंट ऑफिसर गेट्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज एंड स्किल. कैंडिडेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन सेंड डिफरेंट डॉक्यूमेंट ऑफ हिज क्वालिफिकेशन. लाइक मतलब कैंडिडेट, अब देखो रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने प्राइमरी मीटिंग में अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और उनको बोला ठीक है एप्लीकेशन फॉर्म भरो. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ अलग अलग डिटेल्स अटैच होते हैं. कैसे डिटेल्स, जैसे उस कैंडिडेट की मार्कशीट्स हो गई, उन कैंडिडेट का कोई एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट हो गया, ये सारी चीज अटैच कर देते हैं उसके साथ. ये जो भी एप्लीकेशन भरी हुई एप्लीकेशन विच आर फाउंड इनकम्प्लीट, मतलब जो एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरा हुआ नहीं, वह इनकम्प्लीट है, गलत है, तो उसको उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया जाता है. इसको बोलते स्क्रीनिंग. समझ आया, मतलब पूरा विजुअलाइजेशन हो रहा है. रिसेप्शनिस्ट के पास, रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास गए, रिक्रूटमेंट ऑफिसर ने बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और उसको बोला ठीक है एप्लीकेशन फॉर्म भरो. एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ पीछे क्या अटैच करना पड़ता है, अलग अलग डॉक्यूमेंट जैसे मार्कशीट हो गई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया. क्लियर. अब बेसिकली अगर कोई ऐसा एप्लीकेशन मुझे दिख रहा है जिसमें इन्फॉर्मेशन भरी नहीं है या गलत गलत कुछ लिखा हुआ है, एकदम रब्बिश लिखा हुआ है, तो उसको उसी वक्त निकाल देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं. इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग करना. सपोज मैं छोटा फिगर लिया, 10 एप्लीकेशन मिली, 10 एप्लीकेशन को मैं देख के मुझे लगा फालतू कुछ भी लिखा आता है, लेकिन तो चार ऐसी थी तो चार को आउटलाइन रिजेक्ट कर लिया. अब कितनी बड़ी 6-6 में का आगे काम प्रोसेस करेंगे, इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग. नेक्स्ट, टेकिंग नेसेसरी टेस्ट. अब ये थोड़ा बड़ा पॉइंट है, अलग अलग टेस्ट लेने पड़ते हैं. टेस्ट मतलब देखो वेरियस टाइप ऑफ टेस्ट. अब ये इंडिविजुअली भी 2 मार्क का आंसर है. Various type of tests are conducted for those candidates just candidate की application accept हो गई. मतलब 10 application में से 4 अपन ने reject कर ली थी, example मैंने दिया 6 application accept हो गई. तो just candidate की application accept हो गई, every enterprise conduct test and उनका test लिया जाता है. अलग अलग type के test conduct होते हैं. सबसे पहले देखो IQ test होता है. इसमें क्या होता है, IQ test क्यों होता है, to assess the common sense कितना है इंसान. IQ level तो होना चाहिए, common sense कितना है, मेमोरी कितनी है, स्मार्टनेस कितना है, डिसीजन मेकिंग पावर कितना है और थिंकिंग कैपेसिटी. इस टाइम पे अलग अलग सिचुएशन ली जाती है कि सपोज आप एक कंपनी में हो, आपका आपके जो कलीग है उससे झगड़ा हो गया है तो आप उस सिचुएशन में कैसे डील करोगे, या आप एक कंपनी में आपको कोई एक्स्ट्रा आवर्स काम करने को बोले और आपको घर पे कोई फंक्शन अटेंड करना है, सो आप उस सिचुएशन में, मतलब अलग अलग सिचुएशन दी जाती है. यहाँ पे उस कैंडिडेट की सोचने की क्षमता, उसकी स्मार्टनेस कितनी है, उसकी मेमोरी कितनी है, उसका कॉमन सेंस कितना है, ये सब देखा जाता है. क्लियर. यूजुअली आपने ऐसे ना मूवीज में देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा कि क्या करते हैं कि लाइट्स फैन कहीं रूम का ऑन कर देते हैं, ठीक है, और सीसीटीवी में से देखते हैं कि वो जो भी कैंडिडेट है वो लाइट पॉइंट को बंद कर रहा है या कोई बहता हुआ नल को बंद करके आ रहा है कि नहीं. ये सब उसका कॉमन सेंस और उसका बेसिक चीजें देखी जाती है. तो सबसे पहला टेस्ट कौन सा, IQ टेस्ट. IQ टेस्ट उसकी मेमोरी, उसका स्मार्टनेस, उसका डिसीजन मेकिंग पावर, थिंकिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए किया जाता है. फिर आता है एप्टीट्यूड टेस्ट. ये टेस्ट इज टू नो वेदर द कैंडिडेट हैज इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक वर्क ऑफ नॉट. मतलब जो काम के लिए वो आया है, मतलब जो उसका काम है उस बिजनेस में, उस कंपनी में, उसमें इंटरेस्ट उसको है कि नहीं,
वो देखा जाता है। सो आपका आईक्यू टेस्ट में आपका स्मार्टनेस, मेमोरी, थिंकिंग कैपेसिटी, डिसीजन मेकिंग पावर दिया जाता है, और एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखा जाता है जिस भी काम के लिए आपको कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है वो उस काम में उस कैंडिडेट का इंटरेस्ट है कि नहीं। थर्ड, ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट टू डिसाइड व्हेदर कैंडिडेट हैज नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म एक्सपेक्टेड जॉब ऑन। एप्टीट्यूड टेस्ट में ये देखा जाता है कि उसका उसमें इंटरेस्ट है कि नहीं। फिर ट्रेड टेस्ट में ये देखा जाता है जो भी जॉब है वो जॉब करने के लिए उसमें नेसेसरी स्किल्स है कि नहीं, कि जो आपका काम है, जो जिस काम के लिए आप उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर रहे हो वो काम करने के लिए जो नेसेसरी स्किल्स है वो उसमें है कि नहीं। लास्ट में साइकोलॉजिकल में देखा जाए तो उसकी साइकोलॉजी कैसे, उसका कॉन्फिडेंस कैसा है, एटीट्यूड कैसे है, उस एम्प्लॉय के हैबिट कैसे है, उस कैंडिडेट के हैबिट कैसे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इंडिविजुअली 2 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रही हूँ जो जो एप्लीकेशन आपने एक्सेप्ट कर ली वो एप्लीकेशन के जो कैंडिडेट है उनके टेस्ट होते हैं, आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट और साइकोलॉजिकल टेस्ट। आईक्यू टेस्ट में अपन ने क्यों करा जाता है, उस कैंडिडेट की स्मार्टनेस, डिसीजन मेकिंग पावर, कॉमन सेंस, मेमोरी, थिंकिंग कैपेसिटी देखने के लिए। एप्टीट्यूड टेस्ट क्यों किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो भी वर्क है वो वर्क में उस कैंडिडेट का इंटरेस्ट है कि नहीं। तीसरा, ट्रेड टेस्ट क्यों किया जाता है, ये देखने के लिए कि जो भी काम है, जो भी वर्क के लिए आप उस कैंडिडेट को सिलेक्ट करने वाले हो वो काम करने के लिए जो भी क्षमता, जो भी स्किल्स चाहिए होती है वो उसमें है कि नहीं। साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है उस इंसान का कॉन्फिडेंस कितना है, उसके हैबिट्स और ये सब देखने के लिए। सबसे पहले 3 पॉइंट हमने पढ़ा जो वेलकम करा, उसके बाद एप्लीकेशन का स्क्रीनिंग एंड थर्ड वन इज टेस्ट। चलो अब अगर टेस्ट में आप सक्सेसफुल होते तो आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज PI। PI मतलब क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू। ये 6 कैंडिडेट जो बचे उसमें से सपोज 2 कैंडिडेट कोई टेस्ट में फेल हो गया, अब कौन से बचे, 4। वो 4 में 4 किसमें जाएंगे, PI में। PI मतलब पैनल के साथ 1-to-1 इंटरव्यू। आप रूम में बैठे हो, पैनल ऑफ आपके इंटरव्यूअर्स है, सब उस 5 लोग बैठे हैं, 1-to-1 वो आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं। PI पर्सनल इंटरव्यू, इंडिविजुअल। कैंडिडेट जो ऊपर की टेस्ट में सक्सेसफुल हो गए वो कहाँ पे जाते हैं, PI के लिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए। अब PI कौन लेते हैं, कमिटी होती है पूरी इस फॉर्म फॉर सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। मैंने आपको पता है पूरा पैनल होता है, पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, पैनल आप उसको कमिटी भी बोल सकते हो, कमिटी होती है जो इंटरव्यू लेते हैं। इन दिस पे असेसमेंट कैन बी डन विदाउट बायस। इंटरव्यू की जो कमिटी होती है कंसिस्ट रिप्रेजेंट, अब इंटरव्यू की जो कमिटी होती है उसमें कौन होता है, आपको सवाल आया होगा ना, मैं बोली पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स होते तो वो कौन होता है, तो उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव होता है आपके मैनेजमेंट का, मतलब उस कंपनी के मैनेजमेंट का, डिपार्टमेंटल हेड्स का कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, पर्सनल मैनेजर होता है, पर्सोनल मैनेजर होता है, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, क्लियर। सो कमिटी में कौन कौन होता है, मैनेजमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, डिपार्टमेंटल का कोई हेड होता है, डिपार्टमेंटल का हेड होता है, पर्सनल मैनेजमेंट मैनेजर होता है और एक्सपर्ट्स होते हैं। वर्क रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, काम के टेक्निकल नॉलेज कितनी है, एप्टीट्यूड टेस्ट कर लिया सब हो गया, अब काम आता है कि नहीं, काम के बारे में नॉलेज कितनी है, नॉलेज कितनी है वर्क के रिलेटेड वो देखा जाता है। प्रॉपर केयर इज टेकन सो दैट देयर इज नो डेविएशन फ्रॉम टॉपिक। ध्यान रखना चाहिए कि भाई इंटरव्यू के टाइम में टॉपिक से भटक नहीं जाए, मेन टॉपिक पे बात करें। एट दिस स्टेज यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ जॉब आर मेड क्लियर। अगर इंटरव्यूअर को वो कैंडिडेट अच्छा लग रहा है फॉर द जॉब तो उस टाइम पे वो क्लियर कर लेता है कि ये टर्म्स और कंडीशन है हमारे कंपनी की, ये पॉलिसी ऐसा करना पड़ेगा ऐसा नहीं, TNC टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस हो गए, क्लियर। मतलब PI क्या बोला है, जो जो कैंडिडेट टेस्ट में सक्सेसफुल हो गए वो कहाँ जाते हैं, PI के लिए। PI कौन लेता है, एक कमिटी होती है, कमिटी ऑफ इंटरव्यूअर्स होता है। इस कमिटी में कौन कौन लोग होते हैं, मैनेजमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, पर्सनल मैनेजर, अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट। यहाँ पे कैसे सवाल पूछे जाते हैं, काम के रिलेटेड, वर्क रिलेटेड क्वेश्चन आप आज, और ध्यान क्या रखना पड़ता है कि टॉपिक से डेविएशन नहीं हो पाए, क्लियर। और यहाँ पे TNC डिसाइड हो जाता है, TNC मतलब टर्म्स एंड कंडीशन। अब आ जाते हैं चेकिंग रेफरेंस, मतलब आप अपनी ना एप्लीकेशन में रेफरेंस दोगे कि मेरे बारे में आपको जानना है तो मेरा पास्ट एम्प्लॉयर से पूछ सकते हैं। रेफरेंस मतलब मैंने ये सो एंड सो कंपनी में काम किया है, तो रेफरेंस चेक करना कि आप उनसे आप पूछोगे एज अ इंटरव्यूअर कि उन्होंने सही काम किया कि नहीं। देखो, द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी चेक बाय रेफरिंग टू हिज प्रेजेंट एंड पास्ट एम्प्लॉयर टू गेट एन आइडिया ऑफ करेक्ट सिचुएशन। मतलब
कैंडिडेट्स जो होते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं कि सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस में काम किया है, एनटी में काम किया है, या एक्स वाई जेड कंपनी में काम किया है, या कहां भी, वो लिखना पड़ता है पहले आपने यहाँ यहाँ काम किया, तो वो सही लिखा है कि फेंका मारा है, उसके लिए क्या करते हैं इंटरव्यू पर उनको कॉल करके पूछते हैं, चेक करते हैं, क्लियर, टू गेट द राइट ओपिनियन अबाउट द एम्प्लॉय कि भाई सच में वो एम्प्लॉय कैसा है वो जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड शुड बी फ्री फ्रॉम एनी बायस, द ओपिनियन ऑफ प्रेफरेंस गिवन बाय कैंडिडेट हेल्प इन टेकिंग राइट डिसीजन, तो ये इन्फॉर्मेशन लेने से इंटरव्यू में सही डिसीजन ले पाएगा, चेकिंग रेफरेंस समझ आया, पीआई में कोई बंदा अच्छा लगा, कोई सिलेक्शन हो गया कोई कैंडिडेट का, आई मीन अच्छा लगा तो उसका रेफरेंस चेक करोगे, मतलब जो भी एप्लीकेशन फॉर्म में आपने रेफरेंस दिया है कि आपने यहाँ यहाँ काम किया है या यहाँ यहाँ काम कर रहे हो, तो उनसे पूछा जाता है कि एम्प्लॉय कैसा था, तो कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म में रेफरेंस फेंका मत मारना, क्लियर। नेक्स्ट, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, अगर इट मैटर्स गेदर ड्यूरिंग पीआई में भी सब अच्छा से हो गया, रेफरेंस भी सब अच्छे से हो गया, तो सिलेक्शन कमिटी विल मेक अ लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, अब सिलेक्शन कमिटी एक लिस्ट बनाएगी, मतलब अपन सिलेक्शन कमिटी है चार में से फॉर एग्जाम्पल तीन की अपने लिस्ट बनाएंगे, क्लियर, लिस्ट यूजुअली इंक्लूड मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट देन रिक्वायर्ड, इस लिस्ट में सपोज अगर मुझे दो कैंडिडेट चाहिए तो इस लिस्ट में मैं चार कैंडिडेट डालूंगी, क्लियर, मतलब जो जो कैंडिडेट पर्सनल इंटरव्यू में भी सक्सेसफुल हो गए उनके रेफरेंस भी अच्छे से चेक हो गए पॉजिटिवली, अब इंटरव्यू और जो कमिटी होती है वो क्या बनाते हैं, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट बनाते हैं, ये जो लिस्ट होती है उसमें यूजुअली जितने एम्प्लॉइज कंपनी को चाहिए होते हैं उससे ज्यादा की लिस्ट बनती है, क्लियर। अब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन आई साइट कैसी है, फिजिकली कितने फिट है, बीमारी तो नहीं है, वो सब भी होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो सिलेक्शन का सॉरी कैंडिडेट का प्रिलिमिनरी सिलेक्शन हो गया, फिर उनको हॉस्पिटल या तो डॉक्टर के पास भेजा जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, वो स्पेसिफाइड डॉक्टर होते हैं कंपनी वालों के। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई कैंडिडेट कोई मेजर बीमारी से तो नहीं सफर करना, या तो उसको कोई फिजिकल प्रॉब्लम तो नहीं कि विजुअल नहीं है अच्छा या व्हाटएवर, रेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज है कि आप सपोज किसी को कुछ ऐसा या कुछ बाकी के एम्प्लॉय को वेटिंग लिस्ट में डाल देते, क्लियर, वेटिंग लिस्ट मतलब मैंने अपन को इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में बताया था, वेटिंग लिस्ट मतलब जो अभी हम नहीं सिलेक्ट कर पाए लेकिन नेक्स्ट टाइम चाहिए तो उनको कॉल करेंगे, क्लियर। ओके, सिलेक्शन कैन बी डन फ्रॉम दिस वेटिंग लिस्ट, ठीक है, तो मेडिकल एग्जामिनेशन मतलब जो भी एम्प्लॉयर प्राइमरी सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गए, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन उनका हो गया, उनको हॉस्पिटल में भेजा जाता है स्पेसिफाइड डॉक्टर के पास जहाँ पे उनका फिजिकल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है, ये देखना है कि कोई उस कैंडिडेट को कोई मेजर सीरियस इलनेस तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, क्लियर, और जो कैंडिडेट को यहाँ पे नहीं सिलेक्ट कर रहे उसके लिए क्या दिया जाता है, एक वेटिंग लिस्ट बनाई दी जाती है कि नेक्स्ट टाइम जब चाहिए होगा तो वेटिंग लिस्ट में से अपॉइंट करेंगे। अब भाई आ जाता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपका सपना, अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आ गया कि भाई अब अपॉइंट, सारे ताम झाम के बाद फाइनली यू गॉट एन अपॉइंटमेंट लेटर। देखो आफ्टर मेकिंग फाइनल सिलेक्शन एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है सिलेक्शन कैंडिडेट को, इन दिस लेटर, इस लेटर में क्या होता है, इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग आपका काम कैसा होने वाला है, कहाँ पे काम होने वाला है, वर्क प्लेस क्या होता है, आपकी डिजाइनेशन क्या है, आपकी राइट्स क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका रेम्यूनरेशन सबसे इम्पोर्टेंट, पैसा कितना मिलेगा, रेम्यूनरेशन क्या है, और दूसरे कुछ फिनेंशियल मैटर्स होते हैं वो, ठीक है। सो आफ्टर फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट को क्या मिल जाता है, एक अपॉइंटमेंट लेटर, उस अपॉइंटमेंट लेटर में आपका काम कैसा होगा, कहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हुई, डिजाइनेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेम्यूनरेशन सब लिखा जाता है। इंडिकेशन नेक्स्ट क्लास, इंडक्शन इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क, अपॉइंटमेंट लेटर आके आप कंपनी में आ गए, इंडक्शन इन टू द ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको काम दे देंगे बस। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन बिफोर अलॉटमेंट ऑफ ड्यूटी एम्प्लॉयज आर गिवन इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग, मतलब बोला अलॉटमेंट लेटर देने के बाद काम देने से पहले एम्प्लॉय को पूरा ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के बारे में बताया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन का एनवायरमेंट, उनके कलीग्स, इन सबके बारे में बताया जाता है। तो ये था नंबर ऑफ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन, आई होप एंजॉय किया, वन मोर टाइम एक कोई रिकैप ले लेते हैं। सिलेक्शन में सबसे पहले वेलकम किया मैंने, आपको पता है एक रिसेप्शनिस्ट के पास आए, थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ली, फिर गए रिक्रूटमेंट ऑफिसर, रिक्रूटमेंट ऑफिसर नॉलेज लेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा उनकी नॉलेज के बारे में, उनकी स्किल्स के बारे में, इन सब चीजों के बारे में, इसको बोलते हैं वेलकमिंग या तो प्राइमरी मीटिंग। उसके बाद जो भी कैंडिडेट सही लग रहा है उसको क्या कर लेते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरने देते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ क्या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं, जो जो इनकमिंग एप्लीकेशन है, रॉन्ग एप्लीकेशन उधर ही निकाल दो, उसको बोलते स्क्रीनिंग करना। उसके बाद बाकी के एप्लीकेशन का क्या करा जाता है, टेस्ट, आईक्यू टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेट टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब जो जो कैंडिडेट टेस्ट में भी सिलेक्ट हो गए उनका फिर होता है पीआई,
पीआई में भी जो सिलेक्ट होते हैं, मतलब जो पर्सनल इंटरव्यू वर्क रिलेटेड क्वेश्चन भी है, कमिटी होती है, सब अपन ने पढ़ा। पीआई के बाद आता है रेफरेंस चेक करना, मतलब जहाँ पे वो पहले काम करते थे, जहाँ पे अभी काम कर रहे हैं उससे कंफर्म करना कि एम्प्लॉय कैसे है। पीआई भी अच्छे से हो गया, रेफरेंस भी अच्छे से हो गया, फिर उसका एक लिस्ट बनाते हैं कि ये कैंडिडेट्स हैं, जितने लोग चाहिए होते हैं उससे कंपैरेटिवली ज्यादा की लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद उनका क्या होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि भाई फिजिकली फिट है कि नहीं। उसके बाद फाइनली अलॉटमेंट लेटर आपको मिल जाएगा। उस अलॉटमेंट लेटर में अलग अलग डिटेल्स होते हैं, कितना पैसा मिलेगा, कहाँ काम होगा, कैसा काम होगा, ब्ला ब्ला। उसके बाद एम्प्लॉय इंट्रैक्शन इन टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफर। तो 9.1 वॉज वेलकमिंग एंड प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, सॉरी वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। फिर रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग एप्लीकेशन, फिर क्या करना है, टेकिंग नेसेसरी टेस्ट, कौन से टेस्ट, आईक्यू, एप्टीट्यूड, ट्रेड एंड साइकोलॉजिकल। फिर पर्सनल इंटरव्यू, फिर रेफरेंस, चेकिंग रेफरेंसेस। उसके बाद प्रिलिमिनरी सिलेक्शन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट फिर अपॉइंटमेंट लेटर एंड इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ वर्क। तो अपन ने आज दोनों बहुत भारी भरकम और इम्पोर्टेंट टॉपिक किए, जो दोनों लॉन्ग आंसर में पूछने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स वापस वीडियो को देखो बार बार, लर्न इजी होगा। अपने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट किया और अपने क्या पढ़ा, सिलेक्शन। नेक्स्ट सेशन में अपन स्टार्ट करेंगे विद द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में विल बी एंडिंग दिस चैप्टर। ओके, सो टिल देन गुड बाय।